नमस्कार, मैं प्रिया दायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। सैनिकों की भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में फैल गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे प्रदर्शन ने हिंसा का भयानक रूप ले लिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में रेलवे समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के डिब्बों को भी प्रदर्शन की आग में झोंक दिया गया और आक्रोशित युवाओं की भीड़ में ईंट पत्थर भी फेंके हैं। इस सबसे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ है। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और यही वजह है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा रेलवे को ही निशाना बनाते हैं। ऐसा करके प्रदर्शनकारी सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। एक ट्रेन को अगर प्रदर्शनकारी जलाते हैं तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि ट्रेन का इंजन बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। वहीं एक कोच को बनाने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आता है। ऐसे में एक एक्सप्रेस ट्रेन में 22 से 24 डिब्बे होते हैं। इस लिहाज से 24 डिब्बों की कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति कोच के हिसाब से करीब 24 करोड़ रुपए बैठती है। अगर इसमें इंजन की कीमत भी जोड़ दी जाए तो पूरी ट्रेन करीब 50 करोड़ रुपए की खर्च में बनकर तैयार होती है। ऐसे में देश भर में प्रदर्शन के दौरान करीब 9 ट्रेनों को आग लगा दी गई। इसका मतलब ये है कि 450 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ ट्रेनों को जलाने से हुआ है। इसके अलावा ट्रेनें रद्द होने से जो खर्चा हुआ है वो अलग। वही दानपुर रेलवे डिवीजन के DRL प्रभात कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर्स और अन्य चीजों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को बिहार बंद किया गया। राज्य बंद होने से सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर बिहार के नुकसान की बात करें तो बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक बिहार में एक दिन की कमाई 670 करोड़ रुपए है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन की वजह से देश भर की सरकारों को कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज मिशन के साथ।